गाइस, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये वाला प्रोडक्ट। ये है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। ये बहुत ज्यादा हाइप प्रोडक्ट है, सो आई थॉट मैं इसे एक बार ट्राई करूँ। एंड ये मैंने purple.com से खरीदा है प्रोडक्ट। अगर लिंक आपको चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। एक तो ये प्रोडक्ट जो है पैराबेन फ्री है, सेकंड थिंग क्रुएल्टी फ्री है, ये 10 ml का है। एंड ये बेसिकली आपकी स्किन को रेडियंट ग्लो देगा, ये इस प्रोडक्ट का दावा है। इसका MRP है 215 rupees एंड इसका सेल्फ लाइफ है 1 year का। सो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो इसके बेनिफिट्स एंड डिटेल्स, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, सब कुछ आपको मिलेगा। सो मैं आपको एक बार यहाँ पे पढ़ के सुना दूँ। सो यहाँ पे लिखा है कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को इलास्टिसिटी जो है उसको मेंटेन करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। इसके अलावा ये अनइवन स्किन टोन अगर आपकी है तो उसको ठीक करता है और स्किन को ब्राइट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, कम्प्लेक्शन को अच्छा करता है। सो ये है इस प्रोडक्ट का दावा। नाउ यहाँ पे लिखा है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सो रोज हिप ऑयल है, सिसमे ऑयल, आमंड ऑयल, विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल एटसेट्रा। सो इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफी अच्छे हैं। सो इसके अंदर जो आपको बॉटल मिलेगा वो मैं आपको दिखा लूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको एक बॉटल मिलता है। ये बेसिकली ऐसा एक ढक्कन था जिस जैसे आया था ये पैकेजिंग, और उसके साथ ये जो ड्रॉपर है ये ऑब्वियसली इसके पैकेट के अंदर ही आया है। सो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा लगा एंड एक्चुअल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो पहले आपको अपनी फेस को जो है अच्छे से क्लीन कर लेनी है फेस वॉश की मदद से। उसके बाद आपको फ्यू ड्रॉप्स लेना है इसके, उसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे जो है अप्लाई करनी है। नाउ इसकी कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये। सो मैंने इसको ले लिया है अपने हाथों पे और मैं आपको इसे मसाज करके दिखाती हूँ। सो कितने अच्छे से ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है आपके हाथों पे। एंड नाउ बारी आती है मेरे रिव्यू की। सो रिव्यू में मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, डेफिनेटली इसको अप्लाई करने के बाद इमिडिएटली आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगने लगती है आपको, एंड हल्का सा आपको ये ग्लो भी दिखेगा। एंड डेफिनेटली मैं इसे एज अ प्राइमर भी यूज करती हूँ कभी कभी मेकअप से पहले, बट इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल रोज जैसा है, हेवनली स्मेल देता है ये, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बहुत लाइट वेटेड है, नॉर्मल सीरम बहुत ज्यादा होते हैं कि चिपचिपे होते हैं, तो उसमें लाइक इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि चिपचिपा हो, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है ये स्किन पे। एंड मैंने इसे काफी टाइम से यूज किया, लाइक अराउंड 1 month मैंने इसको यूज किया है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट का जितने भी लाइक दावे है वो सारे सच है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। गुड वाइब्स इससे पहले मैंने यूज नहीं किया था, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ गुड वाइब्स एंड आई एम रियली सरप्राइज विद द रिजल्ट। बहुत अच्छे से स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, हेल्दी बनाता है। रात को अगर आप अप्लाई करोगे और सुबह उठोगे ना, आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी लगेगी। स्किन ब्राइटनिंग की अगर आप बात करें, आपको ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखेगा आफ्टर 15 days ऑफ अप्लीकेशन। स्किन इलास्टिसिटी डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सो अगर आपकी लाइक उम्र काफी हो गई है और आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 17 या 18 ईयर्स के हो देन आप इसे यूज नहीं कर सकते, देन ऑल्सो यू कैन यूज इट। इसे अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन काफी ग्लोई हो गई है, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड इंग्रीडियंट्स से तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि स्किन की लाइक खराब कुछ नहीं है इसमें, सारी चीजें बहुत अच्छी है, पैराबेन फ्री है। सो डेफिनेटली आई विल गिव 10/10 टू दिस प्रोडक्ट। कोई नेगेटिव चीजें मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं दिखी है। एंड यह प्रोडक्ट का लिंक एज आई सेड कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि एक बार कम से कम आपको ये प्रोडक्ट जो है ट्राई करना चाहिए, इट्स अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। सेकेंड टाइम अगर आपको लगे कि
पसंद ना आए देन डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा. इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, एंड ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. मेरी स्किन ऑयली है मोस्टली, एंड मुझे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सूट किया, सो डेफिनेटली आपको भी सूट करेगा. आई डोंट थिंक सो इससे आपको कोई भी रैश, जलन या फिर पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है, बट डेफिनेटली अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पैच टेस्ट कर लीजिएगा. सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को. इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो मुझे, वहां पे मैं DIY मेकअप, स्किन केयर एक्सेट्रा शेयर करती रहती हूँ. सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.